हेलो फ्रेंड, ये देखिए एक मल्टी कलर डिज़ाइन है। ये तीन कलर की है, मैंने तीन कलर में बनाया है, लेकिन ये और भी कलर इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। ये डिब्बी डिब्बी सी बनी है और ये बेबी स्वेटर्स और हैट के बैंड्स पे बना के ये बहुत ही अच्छी लगती है। और आप इसे कई जगह से यूज़ कर सकते हैं। हाफ स्वेटर्स में हाफ में डाला, हाफ प्लेन रखा इस तरह से। और ये डब्बियों सी है, तीन कलर में पड़ी हुई है। और ये ध्यान रखें, जो ये इसके बाउंड्री सी बनी है डिब्बियों की, आप जो जिस कलर से ये डिब्बियों की आउटलाइन रखना चाहते हैं उस कलर से ये शुरू करें। तो ये तीन कलर है मेरे, ग्रीन, ऑरेंज और क्रीम कलर। और इसको शुरू करने के लिए आप 10 से मल्टीपल होने वाले फंदे और 4 स्टिचेस और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ये 1 से 12 लाइनों की, 12 रोज़ की रिपीट डिज़ाइन है। और इसमें मैंने पर्टिकुलर पैटर्न में 24 स्टिचेस डाली हैं। और 24 स्टिचेस डाल के कलर, जो भी कलर फर्स्ट कलर से, मतलब ग्रीन कलर से, मैंने 24 स्टिच डाल के पूरी सिलाई जो है मैंने सीधी बीनी है। और उसके बाद जो राइट साइड से डिज़ाइन शुरू करेंगे, तो इसके कलर, दूसरा कलर लगा के एक सिलाई मैंने 24 फंदे डाल के पूरी सीधी बुन ली। और उसके बाद दूसरे कलर से, जो हमारा मेरा ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर लगाया। उसके बाद हम कैसे बुनेंगे हम ये देखते हैं। तो अब हम मुझे ऑरेंज के बजाय मुझे ये क्रीम कलर लगाना है, तो मैं क्रीम कलर लगा रही हूँ। जो कि मेरा तीसरा कलर है। ये क्रीम कलर लिया, एक सीधा इसे पीछे से ग्रीन वाले को टाइट कर देंगे। और ये दो फंदे इस तरह से उल्टी डायरेक्शन में, जैसे सिलाई डालते हैं उस तरह से डाल के दो फंदे बिना बुने हम उतार लेंगे। और हमारा ऊन ऐसे पीछे ही रहेगा। और उसके बाद हम ये एक दो तीन चार पांच छः सात के 8, ये डिब्बियाँ बड़ी बड़ी हैं, ये 8 फंदों की डिब्बी है। अगर आप ये डिब्बियाँ छोटी डालनी चाहते हैं, साइडों की 6 फंदों की हैं, बीच की ये 8 फंदे की है। अगर आप ये डिब्बी छोटी डालना चाहते हैं तो 8 के बजाय 6 फंदे कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। और ये देखिए इस तरह से है, जैसे जैसे यहाँ डिब्बी पड़ी है तो ये वाला ब्लैंक है, फिर इधर डिब्बी पड़ी है तो इसके ऊपर डिब्बी पड़ेगी। ये जो बीच का ये चेन है, ये जो डिवाइड किया हुआ है, ये इस तरह से हम देखेंगे। 8 फंदे सीधे बुन लिए, फिर 2 फंदे बिना बुने उल्टी डायरेक्शन में सिलाई घुसाते हुए ऐसे उतार लेंगे। और 8 फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात ये 8। अब हमारे लास्ट में ये 3 फंदे बचे, तो 2 फंदे उल्टी डायरेक्शन में ऐसे सिलाई घुसाएंगे, बिना बुने उतार लेंगे। और लास्ट का एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। ये ध्यान रखेंगे, ये हमारी राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड। जब ऊन इधर से इधर ले जाएंगे बिना बुनने वाले, तो ये थोड़े लूज रखेंगे, बहुत टाइट खींचेंगे नहीं। ये हमारा पूरा हो गया। अब हम उल्टी तरफ आएंगे, उल्टी तरफ आएंगे, जो कि इस समय हमारी ये 9th रो है। उसमें जो उधर हमने एक फंदा सीधा बिना था, तो इधर हम एक फंदा ये उल्टा बिनेंगे। उधर जो फंदे सीधे बिने थे उन्हें सीधे बुनेंगे ऐसे। और
उधर दो फंदे बिना बुने उतारे थे, इधर उल्टी तरफ में रॉन्ग साइड में हमें एक दो तीन ये चार, दो ग्रीन और दो क्रीम बिना बुने हमने उतार लिए। अब उसके बाद ये धागा यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। मैं इसी धागे की बात कर रही थी, जब हम इसको इधर से इधर क्रॉस कराएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रख करेंगे, नहीं तो वो सिकुड़न सी आ जाएगी। बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं। अब चार फंदे सीधे उल्टे, दो तीन ये चार, फिर एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे हमने बिना बुने उतार लिए, दो क्रीम के दो ग्रीन के और दो क्रीम के। उसके बाद फिर चार फंदे, देखिए ये धागा यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, जो स्लिप के बिना बुने उतारे हैं तो उसको हमें क्रॉस करा के जब हम ये चार फंदे उल्टे बिनेंगे तो इसको थोड़ा लूज ही रखेंगे। दो तीन ये चार, एक दो तीन चार, बीच में छह फंदे बिना बुने उतारे थे, अब ये लास्ट का है तो चार फंदे, दो क्रीम दो ग्रीन और ये लास्ट वाला उल्टा बिन देंगे। ये इस तरह से, ये उल्टी तरफ इस तरह से दिखाई देता है। फिर हम राइट साइड में आ जाएंगे, हम तीसरे कलर से ही जो उधर उल्टा था इधर सीधा बिनेंगे। ये इस तरह से चार बिना बुने उतार लेंगे, एक दो तीन और ये चार, फिर एक दो तीन ये चार, चार सीधे बुने, एक दो तीन चार पाँच ये छः, दो क्रीम दो ग्रीन दो क्रीम, छः फंदे बिना बुने उतार लिए। फिर उसके बाद चार फंदे सीधे बुनेंगे, ये एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे बुन लिए और एक दो तीन चार, दो क्रीम और दो ग्रीन बिना बुने ऐसे ही स्लिप करके सिलाई पे ले लिए और लास्ट का एक फंदा सीधा। ये देखिए ये डिब्बी बन गई। अब हमारी ये 11th रो है, इससे हम जो उधर हमने सीधा बुना था इसको हम उल्टा बिनेंगे, दो फंदे बिना बुने उतारेंगे, आठ फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः सात ये आठ, आठ फंदे हमने बिना, आठ फंदे हमने उल्टे बिन लिए। फिर उसके बाद हम दो फंदे बिना बुने उतारेंगे, स्लिप कर लेंगे ऐसे ही, एक और एक ये दो, फिर आठ फंदे उल्टे, एक दो तीन
चार पाँच छः सात ये आठ और दो फंदे बिना बुने उतारेंगे और एक फंदा लास्ट में उल्टा, ये इस तरह से लास्ट में दो बिना बुने और एक उल्टा, इस तरह से हमारी ये पूरी रो पूरी हो गई। अब इस तरफ हम आएंगे, ये हम राइट साइड में आ गए, राइट साइड में ये हमारी ट्वेल्थ रो है, पहला फंदा, ये हम जो जिस कलर से हमने शुरू किया है, जो हमारा फर्स्ट कलर है, तो फर्स्ट कलर मेरा ग्रीन है, तो मैं ग्रीन से शुरू करूँगी। इस सिलाई में देखिए दो ग्रीन बिना बुने हैं और आठ फंदे क्रीम के उल्टे बुने थे जो कि इस तरफ सीधे, तो ये हमारे इस सिलाई में हमारे सारे फंदे ग्रीन हो जाएंगे। तो जो ये वाला बॉर्डर है, ये जो आर्च सा, ये वाला लाइन बनेगा। तो इसके लिए एक फंदा तो हमने सीधा बुन लिया, अब ये जो दो फंदे उधर हमने बिना बुने उतारे थे, इनका हमें क्या करना है, या तो हम इसे पहले उतार के बना लें, या तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ये पीछे वाला जो फंदा है पीछे से बैक साइड से सीधा बुनेंगे ये इस तरह से, लेकिन फंदा गिराएंगे नहीं, और जो फर्स्ट वाला है उसको बाद में सीधा बुनेंगे और दोनों फंदों को एक साथ गिरा देंगे, और जो ये आठ उल्टे फंदे थे इन्हें नॉर्मल सीधे बुन लेंगे। दो तीन चार पाँच पाँच छः सात ये आठ, ये आठ फंदे हमने सीधे बुन लिए। अभी जो दो फंदे बिना बुने हैं इनको, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पीछे वाला फंदा जो है हमारा, भी जो हमारा पीछे वाला फंदा है, इसको हम पीछे से ऐसे इस तरह से, ये पीछे से, ये ऐसे पीछे से सिलाई डाल के सीधा बुनेंगे, लेकिन फंदे को गिराएंगे नहीं, ये ऐसे, फिर आगे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे और इस तरह से, ये देखिए दोनों फंदे एक साथ गिरा देंगे, और ये दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अब ये दो बिना बने फंदे इसको पीछे से इस तरह से, सिर्फ एक फंदे को जो पीछे वाला, ये पीछे वाला फंदा ये देखिए पीछे वाला फंदा पहले बुनेंगे सीधा, आगे वाला बाद में सीधा, बिना दोनों ही सीधा है, लेकिन पीछे वाला पीछे से सीधा, आगे वाला आगे सीधा, और दोनों बुन के दोनों एक साथ गिरा देंगे, और लास्ट वाला ये सीधा, ये हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम ये उल्टी सिलाई पूरी सीधी बुन लेंगे, ये जो हमारा बेस कलर है उसी से हम उल्टी सिलाई पूरी सीधी बुनेंगे।
ये सारी पूरी रो है ये रॉन्ग साइड, लेकिन हम बिन सीधी रहे, पूरी सिलाई सीधी। इस तरह से मिलती जुलती कई डिज़ाइनें हैं, ब्रिक वाली सी एक दो तो मेरे ही चैनल पे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है सब में। ये इस तरह से हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ फर्स्ट से जब शुरू करेंगे तो ये हमारा ऑरेंज से शुरू करेंगे, सेम वही प्रोसेस अपनाना है, बस कलर आप अपने हिसाब से लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे हम ऑरेंज कलर से बिनेंगे, तो ऑरेंज कलर से कैसे बिनेंगे, मैंने क्रीम से शुरू किया था, मैं एक सिलाई ऑरेंज की भी आपको बुन के दिखा देती हूँ। ऑरेंज कलर से शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले छः, क्योंकि देखिए यहाँ पाँच ये छः, छः ऑरेंज कलर से हमने बुन लिया, छः फंदे सीधे ऑरेंज कलर से बुन लिए। उसके बाद दो फंदे ऐसे उल्टी डायरेक्शन में सिलाई घुसा के दो फंदे बिना बुने उतार लेंगे, फिर ये आठ फंदे, ऊन हमारा पीछे ही रहेगा, आठ फंदे, एक दो तीन चार पाँच ये देखिए हम ऑरेंज जिस ये सेकंड कलर था उससे हमने ये शुरू किया, तो सीधा हमने शुरू किया, तो हमने शुरू सेकंड रो इसकी है, तो इसमें हमने शुरू किया कि एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऑरेंज कलर से सिक्स, उसके बाद दो फंदे हमने बिना बुने उतारे उल्टी डायरेक्शन में सिलाई घुसा के, फिर उसके बाद आठ फंदे सीधे, तो दो बिना बुने उतारे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, फिर दो बिना बुने उतार लिए और फिर ये छः फंदे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छः फंदे हमने सीधे बुन लिए ऑरेंज ऊन से। इसी तरह से रिपीट करते हुए, सेम प्रोसेस करते हुए उल्टी सिलाई में थर्ड रो में हमारा ऊन देखिए जैसे आपको दिख रहा है ये ऊन आगे रहेगा, और ये जैसे ऑरेंज ऊन से हमें बुनना है तो ये चार। अब हम ये रॉन्ग साइड में आ गए, रॉन्ग साइड में हमें क्या करना है, जैसा कि हमने पहले भी बनाया हुआ था, आपने जो ये क्रीम वाली रो हमने बनाई थी, तो हम चार फंदे उल्टे बिनेंगे ऑरेंज ऊन से, दो तीन चार, चार फंदे हमने उल्टे बिन लिए, एक दो, हमारा ऊन देखिए हमारी फेस की तरफ है, दो तीन चार पाँच और ये छः, छः फंदे हमने बिना बुने सिलाई पे उतार लिए उल्टी डायरेक्शन में सिलाई घुसाते हुए। उसके बाद हम फिर चार फंदे उल्टे बुनेंगे ऑरेंज ऊन से, ये इस तरह से यहाँ से ऐसे ले जाएंगे। इस वाले को हम बहुत ज़्यादा ना टाइट रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लूज रखेंगे, नहीं सुखड़ा हुआ आएगा। दो तीन चार, चार उल्टे बुन लिए, फिर हमें छः, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स फंदे बिना बुने हमने ऐसे ही सिलाई पे उतार लिए। अब लास्ट में एक दो तीन चार, हमारे लास्ट में चार बचे, वन टू थ्री ये फोर, इसी तरह से हम रिपीट करते हुए। अब हम ये सीधी तरफ आ गए, सीधी तरफ हमें क्या करना होगा, सीधी तरफ हमें ये एक दो तीन चार, चार फंदे हम सीधे बुन लेंगे, छः फंदे हम बिना बुने हुए स्लिप कर लेंगे सीधी सीधी तरफ। ये देखिए
चार फंदे सीधे बुनेंगे। ये ऑरेंज जब भी हमने नहीं बुनी थी इसलिए मैं आपको बुन के दिखा रही हूँ, लेकिन ये क्रीम जैसी बुन जाएगी। बस ये ध्यान रखना है, देखिए जैसे यहाँ डब्बी पड़ी है, ये बीच वाली 8 की है, ये 6 की, फिर देखिए यहाँ सीधे में डब्बी, ये जो डंडी सी है ये हो रही है। तो 1, 2, 3, 4 चार फंदे सीधे बुन लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः फंदे हमने बिना बुने उतार लिए। सिलाई हम यूँ उल्टी डायरेक्शन में डाल के बिना बुने उतारेंगे, फिर हम चार फंदे सीधे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 चार सीधे बिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः बिना बुने उतारे, फिर चार फंदे सीधे बुनेंगे और फिर छः फंदे 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः बिना बुने उतार लिए और चार फंदे सीधे 1, 2, 3 और ये लास्ट वाला 4 फंदे बिना सीधे बुन लिए। फिर हम रॉन्ग साइड में जाएंगे तो हम ये 6 फंदे बुनेंगे इसी कलर से, मतलब जो हमारा सेकंड कलर ऑरेंज कलर है यहाँ पे, तो हम 6 फंदे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे हमने सीधे बुन लिए। 2 फंदे ये जो ग्रीन वाले हैं ये ऐसे बिना बुने उतार लेंगे और फिर 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे, सॉरी उल्टे बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने 6 बोला था लेकिन यहाँ पे 8 वो बिनेंगे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 उल्टे, 2 ग्रीन वाले बिना बुने उतारे, ये ऑरेंज से 8 फंदे उल्टे बिने, फिर ये ग्रीन वाले 2 बिना बुने उतार लेंगे और फिर हम ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 उल्टे, इधर भी 6 उल्टे, इधर भी 6 उल्टे, बीच की ये डब्बी 8 फंदों की सीधी बुनी, 2 ग्रीन वाले फंदे हमने बिना बुने उतारे। फिर छठी सिलाई में आएंगे, ये हमारी ये जो बाउंड्री है जो मैंने पहले भी बताया था ये बना रहे हैं हम। यहाँ पे हमें क्या करना है, 6 फंदे सीधे, हमें ये जो हमारा बेस कलर था ग्रीन वाला पहला वाला कलर इससे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 5 और ये 6 6 फंदे हो गए। अब जो ये वाली डंडी है इसको हमें बनाना है, तो ये जो हमारे 2 बिना बुने वाले जो ग्रीन फंदे हैं उनको हमें बनाना है। इसमें हमें क्या करना है, हमारे ये 2 ग्रीन फंदे हैं इनको हमें पीछे वाला जो फंदा है ये जो पीछे वाला फंदा है इसको पीछे से ऐसे सिलाई डालेंगे, पीछे से ऐसे सिलाई डालेंगे, देखिए ये 2 फंदे हैं, पीछे वाले फंदे में हम बैक साइड से सिलाई डालेंगे और इसे हम पहले सीधा बुन लेंगे ये इस तरह से और फिर ये आगे वाला सीधा बुनेंगे और दोनों फंदों को हम एक साथ गिरा देंगे। तो ये हमारा ये जो ये वाली चीज़ है ये जो डंडी सी है ये बन जाएगी। फिर बीच के हमें 8 फंदे ये सीधे बिने हैं, जो उधर हमने 8 फंदे उल्टे बिने थे वो सीधे बिनेंगे, इन 2 बिना बुने वाले फंदों को हम पहले पीछे वाला बैक साइड से सीधा बुनेंगे फिर आगे वाला सीधा बिन के
दोनों फंदे एक साथ गिरा देंगे। फिर ये छः फंदे हम 1 2 3 4 5 6 फंदे हम सीधे बिनेंगे, उल्टी सिलाई इसी ग्रीन कलर से जो हमारा बेसिक कलर है, फर्स्ट कलर है, उससे पूरी सीधी बनेंगे। और इसी तरह से मैंने जैसे पहले बनाया था रिपीट करते हुए हम ये डिब्बियों वाली डिज़ाइन अपनी कंप्लीट करेंगे। ये बन के और भी सुंदर लगती है और इजी बहुत ही ज़्यादा है। बस आपको एक बार आप शुरू करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। आप इसे बनाएं, बना के ट्राई ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की आपको पता चलता रहे। अपना सजेशन और सपोर्ट प्लीज़ देते रहें। थैंक यू।